इंदौर के देपालपुर में भी एक दंगल गर्ल है। उसके पिता और दादा दोनों पहलवान हैं। ये दंगल गर्ल हंसा राठौर अब महिला विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चुनी गई है। हंसा हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाली इस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दिल्ली में हुए राष्ट्रीय चयन ट्रायल्स में हंसा ने अपनी जगह पक्की कर ली है। वो 19 से 25 जुलाई तक होने वाली चैंपियनशिप में भारत की ओर से चुनौती पेश करेंगी। हंसाबेन राठौड़ के दादा शंकर राठौड़ का कहना है कि वे खुद पहलवान रहे हैं और हंसा के पिता भी पहलवान हैं। हालांकि वो खुद सफल पहलवान नहीं बन सके, लेकिन अपनी बेटी के सपने पूरे होते देखना चाहते हैं। ग्रामीण माहौल होने के कारण पिता और दादा ने घर में ही अखाड़ा बनाकर बेटी को दांव पेंच सिखाए। हंसा बचपन से ही मेहनती रही है। उसके पिता ही उसे अभ्यास कराते थे। अब वो 19 से 25 जुलाई तक हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के 57 किलोग्राम वजन वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगी। हंसा की इस सफलता से उनके परिवार के लोग खासे खुश हैं। देखो, भगवान छोटे सुतार की नगरी देपालपुर पांचवा धाम है और हम बचपन से हमने मेरे बेटे ने पहलवानी करी है। उसको भी ऐसे ही शौक था, फिर उनने अनिल तो नहीं बना बड़ा पहलवान, पर उसको उसने उसकी बेटी को कि उसको बनाता हूँ। उनने अच्छी मेहनत करके और इस मुकाम तक पहुँचाया है जो भारत को मेडल दिलाने के लिए वो खुद सक्षम हो गई है, ऐसा बोलती है भाई बहन। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है, पूरे देपालपुर में हर्ष है और हंसा बहन भाई सबकी लाडली है और सबसे मिलनसार है। और उस दिन पहले ही उसकी माँ को खो दिया, उसके बाद भी उसने प्रैक्टिस बंद नहीं करी, दूसरे दिन से ही चालू थी प्रैक्टिस। 15 दिन रहने के बाद वापस फिर वो कर्नाटक चली गई और अपने जिंदल वाले के वहाँ प्रैक्टिस करती है विद्यानगर में। हंसा की सफलता से पूरा गांव खुश नजर आ रहा है। उसकी इस ऊंची उड़ान गांव की दूसरी लड़कियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। गांव की करीब 10 से 12 लड़कियां अभ्यास कर रही है और प्रदेश स्तर पर नाम कमा रही है। देपालपुर से संदीप सेन की रिपोर्ट।